मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रोहतक से। रोहतक में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। मोहनलाल बड़ोली भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। पहली लिस्ट के बाद बीजेपी की यह अहम बैठक होने जा रही है। बता दें कि कल जिस तरीके से नामों का ऐलान किया गया है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में कुछ जो है हलचल काफी तेज हो चुकी है और इस्तीफों का सिलसिला भी चल चुका है, क्योंकि हर किसी को साधने की कोशिश जो है की गई है। लेकिन बावजूद इसके कुछ पार्टी के सदस्य नाराज नजर आए। उनकी नाराजगी भी अब भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उसके बाद ये बड़ी बैठक हो रही है। मोहनलाल बड़ोली इस बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे और मंथन इस बैठक में किया जा सकता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि कौन से मुद्दे होंगे इसकी जानकारी तो बैठक खत्म होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से बीजेपी ने सूची अपनी जारी की है, लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी की है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी हलचल तेज हो गई है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नामों की ये सूची जारी की, उसके बाद से ही पार्टी में हलचल भी काफी देखी जा रही है और उसके बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ एजेंडा रहेगा बैठक का? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले हमने जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से बातचीत की है, जब उनसे पूछा गया कि 67 सीटें आपने डिक्लेयर कर दी है और उसमें काफी नए चेहरे हैं और प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है, इसके अलावा कुछ विरोध की सूचनाएं भी है, तो उसको लेकर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि ये 67 जो चेहरे हैं यही जो है सरकार बनाएंगे। यानी उन्होंने आश्वस्त किया है कि मोस्टली जो टिकट बांटी गई है वो सभी जिताऊ कैंडिडेट है। और रही बैठक की बात, तो कुछ ही देर में विप्लव देव यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके अलावा जो प्रत्याशी चुने गए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो तैयारियां हैं अभी विधानसभा की वो यहाँ पर रखी जाएगी। जी, तो कुल मिलाकर रणनीति तैयार की जाएगी कि चुनावी मैदान में किस तरीके से उतरना है, किस तरीके से जनता के दिलों में घर करना है और एक बार फिर से काबिज रहना है सत्ता पर। बिल्कुल, देखिए तैयारी यहाँ पर रखी जाएगी और फिर जो चुनौती है वो भी यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक में और ऐसे में जो चेहरे हैं वो सामने आए हैं। अब कलानौर की बात करें तो रेणु डाबला यहाँ से प्रत्याशी चुनी गई है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में कांग्रेस से ही वो रोहतक की मेयर रही है, फिर जो अमित शाह के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी छोड़ी और भाजपा में शामिल हुई और उन्हें जो है टिकट का तोहफा मिला है। इसके अलावा जो महम से जो है दीपक हुड्डा है, भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। हालांकि जो बाहरी प्रत्याशी होने के नारे जरूर लग रहे हैं और शमशेर खरकड़ा जो वहाँ जो प्रत्याशी असली दावेदार माना जा रहा था कि वो अभी 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शायद हो सकता है पार्टी छोड़ने की घोषणा करे, तो कहीं ना कहीं जो विरोध है और जो खुशी है वो दोनों आकलन यहाँ पर आके जा रहे हैं और इसी मंथन को लेकर यहाँ पर बैठक की जाएगी। सभी चारों विधानसभा से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है दिनेश, शुक्रिया आपका। इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। पूर्व मंत्री करण देव कंबोज के बागी तेवर देखे जा रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। टिकट नहीं मिलने से नाराज नजर आए करण देव कंबोज और पार्टी के अन्य पदों से भी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। तो देखिए जिस तरीके से, हालांकि जो लिस्ट जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें सभी वर्गों को और सभी समाजों को जो है बराबर रखते हुए नामों को तय किया गया है। लंबा मंथन चला, उसके बाद ये सूची जारी की गई। लेकिन अभी जो बगावती देवर हैं वो निकल कर सामने आने लगे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण देव कंबोज ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इंद्री विधानसभा से 2014 में विधायक और हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले एवं वन विभाग के पूर्व राज्य मंत्री करण देव कंबोज ने इंद्री से टिकट ना मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यहां पर उन्होंने इस्तीफा देते हुए बागी तेवर भारतीय जनता पार्टी को दिखाए हैं। वर्तमान में वह बीजेपी ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अपने पद के साथ साथ बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं रहनी ही थी, क्योंकि हर किसी को एक साथ लेकर चलने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जरूर यहाँ पर नजर आई और लेकिन बावजूद इसके कुछ ना कुछ जो उनके मेंबर थे उनमें नाराजगी देखी गई। करण देव कंबोज ने अपने इस्तीफे में पार्टी पर कटाक्ष भी किया है और भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए बगावत करते वो नजर आए हैं।
और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से नामों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे चर्चा के बाद जारी की है, उसमें हर वर्ग को उन्होंने साधने की भी कोशिश करी है, बड़े ही विचार विमर्श के पास बाद जो है इस लिस्ट को जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके नाराजगी निकल कर अब सामने आने लगी है। करण देव कंबोज की अगर हम बात करें तो उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी पर और इस्तीफा भी दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए करणदेव कंबोज जो है ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने पार्टी से जो है आज इस्तीफा दे दिया। कारण ये रहे क्योंकि पहले उनको इंद्री विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया था 2014 में और यहाँ से वो विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद फिर मंत्री बने थे, लेकिन जब 2019 का जब